अस्सलामुअलैकुम जी बॉयज़, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग अनदर वीडियो। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं सब ठीक ठाक खैर खैरियत से और मज़े में होंगे और आपका आज का दिन बहुत अच्छा गुजर रहा होगा। बड़ा रूखा रूखा सा व्लॉग हम स्टार्ट कर रहे हैं और अगर आपने नोट किया ही हो तो हम अपने लास्ट व्लॉग वाली शर्ट टोपी सब कुछ वही माहौल है क्योंकि ये वीडियो अभी हम स्टार्ट कर रहे हैं। वो व्लॉग एंड करने के थोड़ी ही देर बाद हमने ये वाला व्लॉग स्टार्ट कर दिया। दिस व्लॉग इज़ अबाउट आर एंड योर्स न्यू कार। जो हमने नई गाड़ी ली है उस गाड़ी के बारे में ये वीडियो है। फिलहाल हमारे साथ मौजूद है हमारे फ्रेंड फजीयस। नींद से उनको उठा के मैं लेके आया हूँ, सोए हुए थे। ये 2:30 बजे का टाइम हो रहा है। जिनसे हमने गाड़ी ली है वो भी हमारे दोस्त हैं और वही हैं जिनको हमने अपनी रिबॉन प्यारी भी दी है। तो फिलहाल ज़रा हमें ज़रूरत है अपने फ्रेंड सान अंसारी साहब की। सान अंसारी साहब को पिक कर लें, चलते हैं जाके आपको हमारी नई गाड़ी दिखाते हैं। रूखा रूखा भी आपको ऊपर से इस पर एक्सप्लेन करेंगे, ज़्यादा इसकी डिटेल में नहीं जाएंगे लेकिन आपको उसका एक अच्छा वॉकग्राउंड एक अच्छी डिटेल बता देंगे और इंशाल्लाह थोड़ी सी दिखा भी देंगे क्योंकि हमने गाड़ी वहाँ से निकाल कर जौहर टाउन वर्कशॉप लेके आनी है एम ऑटो हब, ताकि हम उसके काम शाम शुरू कर सकें और उस पर जो जो हमने करना बात करते हैं। फिलहाल ज़रा रोड डलवा लें, बहुत सख्ती से ज़रूरत है। हमारी नई गाड़ी के आने की खुशी में ना लाहौर का मौसम बड़ा ही खूबसूरत और हसीन हो गया। ठंडी ठंडी हवाएँ चल रही हैं, मैं आपको क्या ही बताऊँ। ए सी चलाने की तो बिल्कुल ज़रूरत ही नहीं ना है भाई, इस टाइम ऐसा खूबसूरत मौसम हुआ है। हेलो अस्सलाम वालेकुम बॉस भाई राजू। ओके बॉस ये रात के टाइम स्टेल्थ मोड में बोल रहे हैं। बैटरी ले आऊं? हैं बैटरी जाना आओ, अगर ले आओगे तो लव हो जाएगा यार, ये मेरा ट्रू फ्रेंड है। हमारी नई गाड़ी की जो बैटरी है वो है जी अल्लाह को प्यारी और उसको बार बार उसको ना तारे लगा के या बैटरी के साथ करना पड़ता है। बैटरी भी उस पर डायरेक्टली नहीं लगती क्योंकि उसकी बैटरी बड़ी है ज़रा, उसमें इंजन भी थोड़ा सा बड़ा है तो वो आपको बताते हैं अभी। इसीलिए उसकी बैटरी भी बड़ी है, इस वजह से अब एहसान भाई की जो कॉर्ड अल्लाह वो उसकी बैटरी भी बड़ी लगी हुई है। यू नो बिग बॉय टॉयज़ हैं ये, बिग मोटर स्पोर्ट्स हैं ये, अगर इनकी बैटरी अब हम मिल जाएगी तो हमारी ज़िंदगी बहुत ज़्यादा सुखी हो जाएगी। पेट्रोल फिर भी हमने उस गाड़ी के लिए लेना है क्योंकि उसमें पेट्रोल नहीं है। बोतल दो बोतलें ये हैं, इनको खाली करते हैं और हैं पीछे। अस्सलामुअलैकुम साहब, कैसे हैं आप? ठीक हैं आप? हम किधर जा रहे हैं? लोकेशन रिवील कर दी, हम किस मकसद के लिए जा रहे हैं? We are buying a BMW 3 Series with V8 swap. Oh my God, 3 Z's. Yes, LSDs. LSDs. Let's go, जी सफर अपना शुरू करते हैं। मौसम बड़ा सुहाना है, जरा एंजॉय करते करते पहुंचते हैं फिर जाके आगे डिस्कस करते हैं। बॉस इसकी आज आखिरी राइड है, चलानी है? नहीं ब्रो, रिबॉन प्यारी इज गोइंग। इसका ये लोगो उतार लेना, मैंने बड़ा महंगा हो गया ये। पेट्रोल चाहिए हमें, बोतल में पेट्रोल इस रेट पे। और यहाँ हम अप्रोच कर रहे हैं अपनी और आपकी नई गाड़ी की तरफ, जो कि ये रीबर्थ नहीं है। इसके सामने कपड़े में हमारी नई गाड़ी मौजूद है और इसका ये बिग सा एग्जॉस्ट भी मौजूद है। फिलहाल इसको खड़ी करते हैं यहाँ पे और फिर देखते हैं। पैसे मैंने तोड़ा था, ये बॉस ये क्या? What is this? This is our new car. चेसिस है जी, BMW E46 2000 मॉडल है, 98 है। ये 1999 बड़ा फर्क डाला है इसने, 98 और 2000 इसके बीच में आ गया दोनों काम हो गए। 1999 मॉडल BMW 3 सीरीज, इसका वो पूरा वाला मुझे नहीं पता सीधी जो बात है। दिस इज़ माई सेकेंड BMW, इससे पहले हमारे पास होती थी BMW की 5 सीरीज़ लेकिन वो काफ़ी ज़्यादा पुराना मॉडल था। उस गाड़ी में था जी 2JZ GE इंजन जो कि आता है आपका 3000 cc इन लाइन 6। और इस BMW में है जी 3UZ V8। ये वही इंजन है जो कि काफ़ी सारी लैंड क्रूजर्स के काफ़ी सारे वेरिएंट्स में और उनमें आता है।
इसके बारे में डिटेल अभी मुझे खुद नहीं इतनी पता, लेकिन इंशाल्लाह आपको भी बताएंगे जब हमें खुद पता चलेगी। सैमी आतिफ साहब से हमने ये गाड़ी खरीदी है। जी जी आप बताएं सर। यार ये V8 आता है लेक्सिस में, ठीक है, फॉरन में, लेक्सिस LS430 में, ठीक है, ठीक है, और LX400 में आता है 1UZ। ये V8 3UZ है, ये LX430 में आता है। LX430। एक्सक्यूज मी, मुझे yes. थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन चाहिए, इसके कंपार्टमेंट में अभी हीट तो नहीं आती? पहले आती थी जब आप बैठे थे। देख ले ये इनके शुगल मेले भी हैं। उसके अलावा बाहर से देखे तो इस साइड पे इन्होंने काफी सारी ड्राइंग्स की हुई है। गाड़ी का आउटर शाउटर काफी काम छाप मांगता है, गाड़ी को इन्होंने बिल्कुल बाहर से तवज्जो नहीं दी, सिमिलरली अंदर से भी तवज्जो बिल्कुल भी नहीं दी गई। तो अंदर से माशाल्लाह काफी हालात इस तरह के हैं। दिस इज अ वेरी वेरी प्रोजेक्ट कार और बस इंशाल्लाह करेंगे आहिस्ता आहिस्ता। मुझे बताओ भैया आप कितने एचपी वाला V8 है? 3UZ V8 यार, ये 330 एचपी स्टेम है। 330 एचपी है, 330 एचपी है। ऑयल कूलर वगैरह लगे हैं? हाँ जी बिल्कुल, इसके बारे में आपको थोड़ा सा अभी ऊपर ऊपर से बताते हैं कि हमारी गाड़ी में एक अदद ऑयल कूलर लगा हुआ है, इसके अलावा एक कंगी कूलर भी लगा हुआ है। कंगी वाला है कौन सा? ये है गियर का कूलर है, गियर का कूलर है ये वाला। इट इज़ गोना बी अ वेरी वेरी फन राइड और बड़ा मज़ा आएगा इंशाल्लाह। आहिस्ता आहिस्ता इस गाड़ी को कंप्लीट करेंगे। मेरी एक काफ़ी ख्वाहिश थी BMW रखने की और वो आज हमारी अल्हम्दुलिल्लाह पूरी हो रही है। लेकिन उसके साथ साथ हमें मिल गया हमारा फेवरेट टोयोटा फैमिली 3UZ V8। तो टॉर्क मशीन है जी, ड्रिफ्टिंग मशीन है। डिफरेंशियल पे आए तो LSD वेल्डेड डिफरेंशियल है फिलहाल गाड़ी में और इसकी बैटरी अंदर जा रही है। पेट्रोल की तरह अपना फुल डाल के इसको करते हैं स्टार्ट। हमने गाड़ी लेके जानी है सीधा वर्कशॉप, आपको बताया उधर खड़ी कर देनी गाड़ी। तो बिस्मिल्लाह करते हैं, ज़रा टेस्ट ड्राइव वगैरह हम ले चुके हैं। काफ़ी अरसे से इस पर वर्किंग चल रही थी और हमारी आपस में ही डीलिंग हो रही थी और वो अल्हम्दुलिल्लाह पूरी होती है। अंदर से हालात फिर भी माड़े हैं लेकिन हम इनको ठीक करेंगे, इसको भी करेंगे, इसको भी करेंगे, एक एक चीज़ करेंगे इंशाल्लाह। आपके प्यार और सपोर्ट के साथ सब कुछ हो जाएगा इंशाल्लाह। फ़िलहाल ज़रा आसान भाई बैटरी लगा रहे हैं जी। डिक्की देख के बाद डिक्की उस दिन सर पकड़ के रखी, पकड़ के रखी, बहुत भारी डिक्की है इसकी BMW। मैं कहता हूँ लोया लोया पिनी बॉस, इंशाल्लाह ये और आपको अच्छी मिलेगी इसके बाद, इससे अच्छी ही मिलेगी इंशाल्लाह। बिग है भाई, रिबॉन भी साथ ही जा रही है अभी। रिबॉन हमारी रिबॉन प्यारी इज सोल्ड टू सैमी आतिफ। इंशाल्लाह उम्मीद है कि ये इसको अच्छी तरह रखेंगे, हम तो इसको रख ही लेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मीटर शीटर भाई कुछ भी नहीं लगा हुआ, ये भी सब स्वैप्ड गाड़ी है, आपने इसको भी जज नहीं करना। इंशाल्लाह आपको समझाएंगे और बताएंगे। बिस्मिल्लाह जी बिस्मिल्लाह, ध्यान से सारी भाई इसमें ना बहुत ज़्यादा आ गए। मैं गाड़ी सीधी कर रहा हूँ, दब खड़बे हैं अंदर ना, ये इस तरह फिरने वाली चीजें बहुत ज्यादा है अभी। टेल पे जाएंगे, वो गाड़ी जाने दे उधर से, परली साइड से गाड़ी जाने दे। वो से V8 में कुछ थे क्या? आदि टू ड्रिफ्टिंग, आई एम नॉट अ प्रोफेशनल ड्रिफ्टर। मेरे पास कोई ऐसी गाड़ी थी भी नहीं जिस पे मैं इस तरह हाथ सेट करता। ये मेरी पहली ड्रिफ्ट प्रोजेक्ट कार है और इस पे हमने हाथ भी सीधा करना है और इस पे हमने सीखना भी है इंशाल्लाह। लेकिन अभी भी अल्हम्दुलिल्लाह आपके भाई में इतना है कि हम V8 को कंट्रोल कर सकते हैं, वरना नॉट समथिंग कि मैं इसको एग्जैजरेट कर रहा हूँ, लेकिन ये इस तरह की गाड़ियाँ हर बंदे के हैंडल करने की चीज़ नहीं है। बस मज़ा आ रहा है। मीटर भी नहीं चलता।
क्या हुआ आपको, दुख क्यों हो रहा है भाई? इतनी मेरे से बनाई थी, बाप लेके जा रहे, दुख तो था। पाल पोस के बड़ा किया ਉਜੇ ਹਲੋ ਕਰਦੇ ਬੋਦੀ ਕੋਲ ਬਾਈ ਤਾਵੇ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਇਹ ਸਮੇਂ ਆਦਰ ਗਰੀ ਫੋਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਪੀਐਮ ਚੋਕ ਰੀਅਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਫੋਨ ਅਭੀ ਇਸਨੇ ਇਹ ਵੀ ਚੋਕ ਵੀ ਘੁਮਾਈ ਸੀ ਘੁੰਮੀ ਨਹੀਂ ਉਧਰ ਨਿਕਲ ਗਈ ਅਭੀ ਜੋ ਬਾਕੀ ਇਸਨੇ ਇਧਰ ਅੱਛੀ ਗਾੜੀ ਘੁਮਾਈ ਸੀ ਬਾਕੀ ਜਾਓ ਕਾਸੇ ਬਸ ਇਸਕੋ ਮੇਰੀ ਨਜ਼ਰੋਂ ਸੇ ਦੂਰ ਕਰ ਦੋ ਜਾਓ ਲੈ ਜਾਓ ਇਸ ਇਹ ਲਾ ਆਪਣੀ ਗਾੜੀ ਪਾ ਕੇ ध्यान से रखना और कोशिश करना खम्बों से और ग्रीन बेल्टों से बचना भाई। अच्छा ये देखो इसकी इर्द गिर्द पीछे रेड मारना है, अभी इसको रख के मार लो एक भाई, ये तोड़ा तो लेके जाओ इसमें भी बीएमडब्ल्यू का, इसको भी लाइन ग्रीन रख करा दो, इसको भी लाइन ग्रीन रख करा दो। थ्री यूजी एफपीपीटीआई टोयोटा फैमिली। हां जी आई एम टोयोटा बॉय। यहाँ पे कुछ आखिरी लम्हात आखिरी राइड ली जा रही हैं सैमी भाई की बीएम में, क्योंकि इन्होंने इस गाड़ी पे इतनी मेहनत की है कि इसके साथ काफ़ी सारी यादें भी हैं, तो इतना पेट्रोल साड़ने का और इतना गाड़ी के अभी जो इन्होंने मस्ती करनी है वो करने का हक तो ये रखते ही रखते हैं। तो ज़रा थोड़ा सा ग्लिम्स देख लें आप इस गाड़ी के डोनट्स का और इसकी जो कैपेबिलिटी है। ओ ये क्या मजा है, भाई किधर को जाई जाते हैं गाड़ी लेके। कंट्रोल माशाल्लाह अच्छा है यार गाड़ी पे कंट्रोल, तू तो चुप कर जा रहा है, गालियां देगा डिप्रेशन में। माशाल्लाह माशाल्लाह साथ सारी मस्ती और रस्में रिवाजें पूरे हो गई हैं, और ये जो हमारा शिफ्टर है ये थोड़ा सा आवाज़ कर रहा है, इधर हो जाएगा ठीक हो जाएगा, ये देखिए बस इसका थोड़ी सी एक लूज़ है थोड़ा सा, इसको इग्नोर करें। हम चाह रहे हैं वर्कशॉप, टाइम काफ़ी ज़्यादा हो गया, 4 बज गए हैं, वर्कशॉप पहुँच के गाड़ी गाड़ी करते हैं, थोड़ी सी आपसे गपशप करके आज का ब्लॉग एंड करते हैं यहीं पर। तो अब अपनी BMW का थोड़ा सा लेग रूम दिखाए ना, तो ये सान सारी माशाल्लाह 5 फुट 9-10 इंच की है और इनकी टांगे फुल स्ट्रेट है और इधर लेटे हुए मज़े से मैं कहता हूँ क्या बात, अभी भी आगे नहीं लग रही। बात है बोनस की, enjoying it in the new project car। बड़ी कितनी यार इस पे, ओए 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 साहब ही नहीं हो रही बॉस। फाइनली वर्कशॉप हम पहुंच चुके हैं, सामने गाड़ी की बैटरी शैटरी उतार रहे हैं, ये इनकी गाड़ी की बैटरी है, ये वापस चली जाएगी उनके घर, इसकी नई बैटरी इंशाल्लाह आ जाएगी। बाकी इसको भी फिलहाल कपड़ा शपड़ा डाल के जाते हैं क्योंकि इसके शीशे खुले हुए हैं, मोटर्स का कुछ मसला है, एक राइट साइड ड्राइवर साइड का शीशा भी नहीं है, तो वो भी होना है हमारा, नया लगना है। फिलहाल इसको कपड़ा दे के अच्छी तरह प्रोटेक्ट करके जाना पड़ेगा क्योंकि बारिश और इस तरह का मौसम बना रहा है। हाँ जिम कर रहा है, बंद कर दे इसको। इसका जो सामान शमान था वो फिलहाल रिबॉन में ही हमारे पास, वो हम लेके चलते हैं घर, गाड़ी को ज़रा पैक शैक कर दें, दिन भी चढ़ रहा है। BM प्यारी को हमने कर दिया इधर पैक, ये हमारी मीना प्यारी है, इसके बारे में डिटेल वीडियो आएगी और आपको बताएंगे कि इसके साथ क्या हो रहा है, बट ये हमारे पास ही है, जो नहीं पास थी वो चली गई, उसका हमें एक दुख भी है और हमें याद भी बहुत आएगी वो गाड़ी। बट फिलहाल BM हमारी पैक हो गई है माशाल्लाह, मीना वो खड़ी है, इस राम प्यारी को भी पैक कर दिया जितना हो सके, अब इंटें नहीं मिल रही हैं लेकिन इसका मेन इंजन कवर्ड है, तो बस इट्स ऑल गुड। बाकी कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि आपको हमारा नया प्रोजेक्ट और ये नई गाड़ी और जो नई फनकारी जिस नई ज़िंदगी में हम जा रहे हैं, स्टैंड से निकल के, परफॉर्मेंस से निकल के, रेयर व्हील ड्राइव ड्रिफ्टिंग की तरफ हम जा रहे हैं, ये सब कुछ कैसा लगा और आप इसमें हमें कितना सपोर्ट करेंगे और करते हैं, ये भी कमेंट्स में अपनी राय से आगाह ज़रूर करें। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप सब अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें, भाई को दें इजाज़त और दुआओं में याद रखें, अल्लाह हाफिज़ एंड गुड नाइट, क्योंकि बहुत लेट हो गए।